वेलकम टू वी एल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अरुण यादव सर फ्रॉम बी एल मिडिल स्कूल। बी एल मिडिल स्कूल में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है। आप लोग बी एल मिडिल स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन होगा उसको एक बार दबा दें। आई विल टीच यू साइंस। एक क्लास एट की साइंस है, मैं आप लोगों को साइंस स्टार्ट कर रहा हूँ आज, जिसमें टोटल 7 यूनिट्स हैं और 17 लेसन्स हैं। फर्स्ट लेसन आज स्टार्ट होगा क्रॉप प्रोडक्शन, फसल उत्पादन। पहला चैप्टर है फसल उत्पादन, फसल कैसे उत्पादन किया जाता है। वी नो वी ऑल नीड्स फूड्स टू एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल ऑफ डेली एक्टिविटीज। हम लोग जानते हैं कि हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है अपने डेली कार्यों को करने के लिए। एंड वी गेट एनर्जी फॉर फूड, और हमें एनर्जी भोजन से मिलती है। एंड भोजन के लिए हमें एग्रीकल्चर करना पड़ता है, यानी कृषि करनी पड़ती है। कृषि के लिए हमें जगह की जरूरत पड़ती है, औजार की जरूरत पड़ती है। अब सवाल आता है कि हमने भोजन एग्रीकल्चर कैसे सीखा। हजार साल पहले जब मानव भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा था और इकट्ठे होते थे, तो उस जगह वो कृषि करना सीखे उस समय। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त किए हुए है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, क्रॉप प्लांट्स। फर्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्लांट्स, फसल। इसे पहला प्रश्न उठता है व्हाट आर प्लांट क्रॉप्स। क्वेश्चन फर्स्ट आएगा व्हाट आर क्रॉप, फसल क्या है। प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड्स ग्रोन इन ए लार्ज क्वांटिटी एट ए प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप्स आर क्रॉप प्लांट्स। एक निश्चित जगह पे एक किस्म के पौधे को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने को फसल कहते हैं। इन आवर डेली मील्स आर द फूड सच एज राइस, वीट्स, मैच, बिरली, इटीसी। माई डेली लाइफ में जो फसल है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है। ई कंज्यूम आर ग्रोन आर द क्रॉप इन द फील्ड। ये सभी फसल हम मैदान में या खेत में उगाते हैं। दे वेयर द फर्स्ट कल्टिवेटर क्रॉप प्लांट्स। सब खेती से औजारों की मदद से करते हैं। दे फ्रॉम द स्टेपल फूड फ्रॉम पीपल मस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सभी मनुष्यों की पहली बुनियादी आवश्यकता भोजन है। इट इज अ स्टेपल फूड फॉर स्टेपल फूड डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो मुख्य फसल है वो स्थान स्थान पे अलग अलग है। जैसे कि व्हीट इज द स्टेपल फूड ऑफ नॉर्थ इंडिया, जैसे गेहूं उत्तरी भारत का मुख्य फसल है। एंड राइस द स्टेपल फूड ऑफ द साउथ इंडिया, और चावल दक्षिण भारत का मुख्य फसल है। मेजर क्राफ्ट ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोइंग सीजन द क्रॉप्स इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। भारत में मौसम के हिसाब से फसल को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकेंड है रबी क्रॉप्स। अब आता है okay.
प्लांट्स आप जानते हैं ऐसे ग्रुप बनाइए 6, 7, 8, 3, 4, 5 अब आते हैं खरीफ फसल पे। खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स क्या होता है? द क्रॉप विच आर सोन इन द जून और जुलाई एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर और अक्टूबर। जो फसल जून और जुलाई के महीनों में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है उसको बोलते हैं खरीफ फसल। जैसे राइस, सुगर केन एंड रबी फसल, रबी क्रॉप्स। फिश क्रॉप्स विच आर सून इन अक्टूबर और नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च एंड अप्रैल। जो फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है उसको रबी फसल कहते हैं। जैसे वीट, बेरली, ग्राम, इनसीड्स, मस्टर्ड। इन जो फसल जैसे गेहूं, सरसों, ये सब रबी फसल है। आगे के टॉपिक्स हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तब तक के लिए।